हेलो एवरीवन, पीसीएस इन शॉर्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। आज हम बात करेंगे मंडला आर्ट की, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले ये जान लेते हैं कि टॉपिक हालिया खबर में क्यों है। दरअसल हाल ही में चित्रकार जेम्स ब्रंट द्वारा पत्तियों और चट्टानों जैसी सामग्री के साथ एक मंडला कला आकृति बनाई गई। इस कलाकृति का आकार लंबाई में 1.5 फुटबॉल पिचों के बराबर है। चलिए अब बात कर लेते हैं मंडला आर्ट की कि ये क्या है। तो प्राचीन संस्कृत भाषा में मंडल का अर्थ है चक्र। मंडलों को एक ज्यामितीय विन्यास द्वारा परिभाषित किया जाता है जो आमतौर पर किसी न किसी रूप में गोलाकार आकार में बना होता है। कभी कभी इसे एक वर्ग के आकार में भी बनाया जा सकता है। मंडला पैटर्न अनिवार्य रूप से परस्पर जुड़ा होता है। मंडला पैटर्न एक सदियों पुराना रूप है जो ब्रह्मांड को चित्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह आर्ट बौद्ध धर्म में निहित है जो भारत में पहली शताब्दी ईसा पूर्व में प्रकट हुआ था। इसका प्रचार प्रसार बौद्ध मिशनरी के माध्यम से सिल्क रोड से होते हुए अन्य क्षेत्रों में हुआ। हिंदू धर्म में मंडला पैटर्न का उदाहरण पहली बार ऋग्वेद में दिखाई देता है। हिंदू धर्म में एक मंडल या यंत्र एक वर्ग के आकार में होता है जिसके केंद्र में एक चक्र होता है। मंडल के भीतर विभिन्न तत्व शामिल हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना अर्थ होता है। जैसे चक्र की 8 तीलियां यानी धर्म चक्र बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। कमल का फूल संतुलन को दर्शाता है तो वहीं सूर्य ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं ऊपर की ओर त्रिकोण क्रिया ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है और नीचे की ओर वे रचनात्मकता और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं। चलिए अब नजर डालते हैं भारतीय कला में मंडला आर्ट पर। तो प्राचीन समय की इस कला के तत्व आधुनिक और समकालीन भारतीय कलाकारों के चित्रों में प्रकट होते हैं। मंडला कला का उदाहरण थंगका चित्रों में ज्यादा देखने को मिलता है। तांत्रिक और नवतांत्रिक आध्यात्मिक आंदोलनों से जुड़े कलाकारों के अभ्यास में इसका केंद्रीय स्थान है। बात करें मंडला पैटर्न के कुछ भारतीय चित्रकारों की तो उसमें सोहन कादरी, प्रफुल्ल मोहंती, बीरेन डे, जी आर संतोष, शोभा ब्रूटा और एस एच रजा आदि शामिल हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर नजर डाल लेते हैं। इस कलाकृति में केंद्र की ओर बढ़ते हुए ब्रह्मांड को एक दुख से आनंद में बदलने की ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। एक पारंपरिक बौद्ध मंडल रंगीन रेत से खींची गई एक गोलाकार पेंटिंग होती है जो ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसके निर्माता को उनके वास्तविक स्व की खोज में सहायता करना है। गौरतलब है कि 6वीं शताब्दी तक चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और तिब्बत में मंडला पैटर्न दर्ज किए गए। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। मंडला कला का उल्लेख सर्वप्रथम किस हिंदू धर्म के ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद या फिर डी यजुर्वेद। तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।